नाजरीन आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को बेनकाब करने वाले पुलिस कांस्टेबल को इबरत का निशाना बना दिया गया। हक के लिए आवाज उठाने पर किस तरह पुलिस कांस्टेबल को इबरत का निशाना बनाया गया, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। किया अगले ही दिन मार खाना पड़ गई। कांस्टेबल दीन मोहम्मद बहावलपुर को विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कांस्टेबल दीन मोहम्मद ने इल्जाम लगाया है कि डीएसपी ने साथियों के हमराह है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ये शख्स जिसका नाम दीन मोहम्मद है, कांस्टेबल है ये पुलिस में। इसकी जानिब से एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें इसने शिकवा किया था वजीर आला पंजाब से कि उसको तनख्वाह नहीं मिलती है, जरूरत होती है, गरीब है। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि उस पर तशद्दुद किया गया है और उसकी जानिब से ये कहा गया कि डीएसपी ने साथियों समेत उस पर तशद्दुद किया है। रोज इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा बताइएगा मजीद क्या कहता है। दीन मोहम्मद जो है वो बहावलपुर का रहायशी है। ये 7 माह पहले जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो था वहाँ पे मुलाजिम था। एजुकेशन डिपार्टमेंट से इसका जो है ट्रांसफर जो है बहावलपुर से हासिलपुर कर दिया गया था और कुछ ही अर्से में इसका जो है 4 बार ट्रांसफर किया गया। लेकिन उसके बाद जो है इसने पुलिस जो है ज्वाइन की एज अ वायरलेस जो है टेक्नीशियन। ये पुलिस महकमे में आया लेकिन वहां से एलपीसी जो है महकमे की एजुकेशन की तरफ से ना मिलने की वजह से इसको 7 माह की जो है तनख्वाह वो मिल नहीं चुकी है, मिल नहीं सकी है। और दीन मोहम्मद का कहना है कि डीएसपी ने जो है अपने जो है बंदों के साथ जो है मेरे पे तशद्दुद किया है और जो है मेरा शिकवा ये है कि मुझे जो है 7 माह की तनख्वाह जो है वो दी जाए ताकि जो है मैं अपने बच्चों का जो है वो गुजर बसर कर सकूँ। और देखा जाए तो यहाँ पे एमपीसी जो है वो महकमे एजुकेशन का काम होता है कि वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट को भिजवाना, लेकिन उस महकमे की कोताही की वजह से। फिरोज, दीन मोहम्मद ने एक वीडियो के जरिए शिकवा किया था, ये बताइएगा वीडियो में क्या कहना था उसका। जी बिल्कुल, वीडियो के जरिए जो है ये पैगाम जो है उसने अपने हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसमें कहना ठीक है, फिरोज आप साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान तरीके